तो जब भी कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है उस टाइम पे उसमें भर भर के डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इस फ़ोन में 10,000 का डिस्काउंट, 20,000 का डिस्काउंट। तो ऐसा क्या चक्कर रहता है कंपनियों का जिसके जरिए आपको भारी भरकम डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है? यानी कि आप कभी कभी तो आपको कंपनी ऐसे प्रोवाइड करती हैं कि एक्सचेंज ऑफर पे 15,000 तक का डिस्काउंट, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है या नहीं है, इसके बारे में आज डार्क जो रियलिटी है सो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बने इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको ये ऐसा फ़ोन लॉन्च होते ही खरीदने के सोचते हैं तो इस वीडियो में थोड़ा बने रहो, मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ क्या इनका फंडा रहता है और किस तरह से आपको बेवकूफ और किस तरह से आप बच सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आप ये वीडियो अगर लास्ट तक देखेंगे तब भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है जो आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं, लास्ट तक नहीं देखे, तो आपको किसी भी हाल में समझ में नहीं आने वाला है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, टॉपिक की ओर। तो जैसे आप दोस्तों आप देखते होंगे, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, यानी कि जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइटें हो गई, उस टाइम पे अगर आप कोई भी फ़ोन परचेस करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक्सचेंज ऑफर पर भारी भरकम डिस्काउंट दिखा जाता है, यानी कि कोई नया फ़ोन लॉन्च होने वाला रहता है तो उस टाइम पे आपको क्या दिखाया जाता है, इस फ़ोन पे इतना डिस्काउंट। कभी कभी अगर आप 25,000 का फ़ोन है तो उसमें आपको 10,000 का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। कभी कभी तो आपको एक्सचेंज ऑफर पे 25,000 के फ़ोन पे 15,000 तक का डिस्काउंट दिखाएगा, लेकिन अगर आप उसे अगर चेक करने जाएंगे तो उसकी डार्क रियलिटी कुछ और रहती है। क्या रहती है? क्योंकि ऐसा अगर रहता है, जैसे आपका 15,000 का फ़ोन है तो 15,000 का जो है आपको 10,000 दिखेंगे, आप सोचे कि हमारे फ़ोन की इतनी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। क्योंकि आपका जो फ़ोन परचेस कर रहे हैं वो है 25,000 का, जिस टाइम पर लंच हो रहा है और आप भारी भरकम आपसे पैसा वसूला जा रहा है और डिस्काउंट आपका कितना दिया जा रहा है, 15,000 की जगह आपको 7 से 8,000, अगर 15,000 का फ़ोन है तो 7 से 8,000 आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन दोनों के प्राइस आप मैच किए तो कितना आपसे, उतना तो आपसे वसूल कर लेंगे वो लोग। अब सोचते हैं मुझे बहुत बड़ा डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपका फ़ोन एक्सचेंज में भी जाता है तो वो लोग आपके फ़ोन को अगर रिफर्बिश नहीं कर सकते तो आपके फ़ोन के एक एक स्पेयर पार्ट, चाहे मदरबोर्ड हो गया, आईसी हो गई, प्रोसेसर हो गया, जो भी आपके फ़ोन के जो आइटम होते हैं वो काम में आने वाला है उसको वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि मैं तो भाई एकदम मज़े में हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। आप अपने 20,000 के फ़ोन का अगर आप 7 से 8,000 डिस्काउंट में पा गए तो आपका 10,000 तो लॉस जा रहा है ना, क्योंकि आपका फ़ोन एकदम वर्किंग कंडीशन में है। आपको पता होगा अगर थोड़े से भी स्क्रेचेस है तो आपके फ़ोन की प्राइस जो है वो लोग कम कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और प्लस अगर आपके स्क्रेचेस के साथ साथ अगर कुछ भी अदर मिस्टेक है तो भी आपको नहीं लेते वो लोग। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये लोग, इन लोगों का टारगेट फिक्स रहता है कि हम ऐसे ऑडियंस को टारगेट करेंगे। जैसे कोई फ़ोन लॉन्च होगा उस टाइम पे हम टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इस तरह के लुभावने ऑफर प्रोवाइड करेंगे जिसके ज़रिए जो है हमारा एकदम प्लान सक्सेसफुल रहेगा। और इनसे एक चीज़ और फ़ायदा होता है कंपनियों को, पहली बात ये फ़ायदा होता है कि उस टाइम पे जैसे ही उनका ऑफर निकलता है तो जो अगर फ़ोन कोई भी बंदा ऐसा एक्सचेंज में फट के ख़रीद लेता है तो उनके फ़ोन में थोड़ा वो दिखाया जाता है कि हमारा फ़ोन इतना बिक गया, ये वाला फ़ोन, उनके सेल में थोड़ी ग्रोथ होने में ऐसे ही मदद मिलती है और नए स्टार्टिंग में सेलिंग होने में थोड़ी उनको और ज़्यादा मदद मिल जाती है, क्योंकि सबसे डिस्काउंट देते हैं और आप उस जाल को फंस नहीं समझ नहीं पाते और फंस जाते हैं अच्छे तरीके से। तो ऐसे जालों को समझना है। हालांकि ये बात भी सही है, कई कई बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन का जो है अच्छा खासा प्राइस मिल जाता है, तो उन कंडीशन में अगर आप समझदार हैं, होशियार हैं, आपको इसका समझदारी है, यानी कि जांच परख रखते हैं कितना हमारे फ़ोन की वैल्यू है, कितना उसमें हमको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या सच में डिस्काउंट लायक है या नहीं, तो आप बेशक इस लफड़े में पड़ सकते हैं। आप बिना सोचे समझे अगर आपके समझ में आ रहा है ये चीज़ डिस्काउंट वाला, यानी कि एक्सचेंज वाला फंडा, तो आप बेशक अपने फ़ोन को जो है परचेस कर सकते, एक्सचेंज में परचेस कर सकते हैं और कभी कभी आपको एक अच्छी खासी डील मिल जाएगी। जी हाँ, इससे इसकी रियलिटी यही है। कभी कभी आपको सस्ते में भी अच्छे कीमतें मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपका कट भी जाता है, क्योंकि आपका जो अच्छा खासा चलता हुआ फ़ोन 20,000-30,000 फ़ोन अगर ख़रीदेंगे तो उस टाइम पे आपको 7 से 8,000-9,000 फ़ोन आपका डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके फ़ोन की ओरिजिनल कीमत इतनी है, जितना वो लोग एक्सचेंज में प्रोवाइड कर रहे हैं उतना आपके फ़ोन की कीमत है, क्योंकि आपके फ़ोन में किसी भी तरह का एक स्क्रैच रहता है उसकी प्राइस वो लोग डाउन कर देते हैं। बॉडी पैनल कहीं से टूटा है वो लोग भी आपका कर देंगे कम। चार्जर नहीं है तब तो आपको थोड़ा और मुश्किल होती है, बिल वगैरह का भी सब लपड़े रखने पड़ते हैं।
तो आपको ये सब बातें पता रहना चाहिए। यहाँ तक कि आपको बॉक्स भी देना पड़ता है कई की कंडीशन में, नहीं तो वो लोग नहीं लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इन सब बातों को अगर आप जांच परख सकते हैं तो आपको बेशक एक अच्छे खासे प्राइस में आपको एक फ़ोन मिल सकता है एक्सचेंज ऑफर में, और कई कई बार आपका कट भी सकता है। तो बच के रहिए, अगर आप समझ सकते हैं तो आप बेशक जांच परख करके आप चाहें तो एक्सचेंज ऑफर में कई कई बार आपको अच्छा खासा फ़ोन प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी कि मिल जा सकता है। तो सोच समझ के आप समझ सकते हैं। बाकी आपको पता है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही कुछ सवाल है तो वो मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक्साइटेड वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स खोला है वो प्लीज़ कमेंट करके बताना। जय हिंद एंड वंदे मातरम।